Hello everyone, this is AMIT CHAURASIYA. Today we will study the arc welding. Basically, arc welding is a fusion welding process in which we get the weld joint with the help of electric arc. This is the setup of the arc welding. In this figure you can see that there is a power supply. It can be AC or DC. This is an electrode holder. This is an electrode. It can be consumable and non-consumable. There are two cables, first is work cable and second is electrode cable. This is a filler rod which is used to fill the filler material in the weld zone. The basic principle क्या होता है इस arc welding का, इस electrode को हम इस work piece से touch कराएंगे तो यहाँ पे एक spark generate होगा जिसको बोलते हैं arc generate होगा. इस arc को हम इलेक्ट्रोड को क्विकली यहाँ से सेपरेट कर देंगे तो आर्क फ्लेम जनरेट होने को इसके कॉन्टेक्ट में जो भी एयर आएगा वो आयनाइज हो जाएगा. उस आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है. उस प्लाज्मा का बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. उस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्क पीस मेल्ट हो जाता है और फर्दर वो सॉलिडिफाई होकर यहाँ पे हम जॉइंट ऑब्टेंड कर लेते हैं. इस आर्क वेल्डिंग के थ्रू हम वेल्डिंग टेम्परेचर अप्रॉक्सली 500 डिग्री सेल्सियस आर हायर देन डेट अचीव कर लेते हैं, बट दैट टेम्परेचर इज सफिशियंट टू मेल्ट द एनी मेटल. अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल कंसिस्टिंग ऑफ बेस मेटल एंड फिलर मेटल इज फॉर्म नियर द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द आर्क वेल्डिंग. देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर यूज इन द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज द आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स. इट कैन बी एसी या डीसी पावर सोर्स. वेल्डिंग केबल्स, देयर आर टू केबल्स, इलेक्ट्रोड केबल एंड वर्क केबल. इलेक्ट्रोड होल्डर, दिस इज द इलेक्ट्रोड होल्डर विच इज यूज टू होल्ड द इलेक्ट्रोड. वेल्डिंग टोर्स, इट कैन बी कंज्यूमेबल आर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. चिपिंग हैमर. वायर ब्रश, वायर ब्रश इज यूज टू वॉश द वर्क पीस वेयर वी हैव टू मेक द जॉइंट. हैंड स्किन, हैंड स्किन इज यूज टू प्रोटेक्ट द आईज. प्रोटेक्टिव क्लोजिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस. फर्स्ट इज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग. दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. वी विल स्टडी फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर 1 by 1. There are some advantages of arc welding. It is suitable for high speed welds, simple welding apparatus, portability as a result of the simple equipment, can work on AC or DC, superior temperatures, but still it has some disadvantages. These disadvantages are not suitable for welding thin metals, require skilled welders, cannot be used for reactive materials like aluminium. So guys, in this video we have studied the arc welding process. In this lecture we will study the stick welding process. So please like the video and subscribe the channel. Okay, thank you for watching this video.